हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय लोक चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जब तक आगे बढ़ूं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, हिमालय के खसों, कोलिया वंशियों और थारों के बाद अब इसी क्षेत्र की एक और प्राचीन जाति किरात को लेकर जानकारी लेकर आया हूँ। इस साहसी और परिश्रमी जाति को लेकर भारतीय पौराणिक साहित्य के पन्ने भरे पड़े हैं। खसों के आने से पहले कभी हिमालय के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खसों का ही राज था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के लोगों को किरातों का वंशज माना जाता है, जबकि उत्तराखंड में किरात अब मुख्य समाज में विलुप्त हो चुके हैं। उत्तराखंड के शिल्पकारों को भी किरात और कोलिया वंशीय लोगों का वंशज माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि उत्तराखंड के शिव मंदिरों के पुजारी भी किरातों के ही वंशज हैं। नेपाल में किरात आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और यही जानकारी इस वीडियो में दूंगा। माना जाता है कि किरात सिंधु सभ्यता के समय से हिमालयी ढलानों में रह रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि हिमालयी क्षेत्र में कोलीय वंशियों के बाद किरात आए थे। हिमालय का इतिहास लिखने वाले एटकिंसन का मानना है कि किरात भी हिमालय में उसी रास्ते से आए जहां से नाग व खश आए थे, यानी वे भी कश्मीर के रास्ते से आए और पूर्व की ओर बढ़ते चले गए। हालांकि अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि किरात लोग हिमालयी क्षेत्र में कोल जातियों के बाद आए। वे एक तिब्बती बर्मी जातीय समूह में हैं और जो कि असम की तरफ से हिमालय की ओर आगे बढ़े थे। किरात जाति के लोग नेपाल में बड़ी संख्या में हैं। वे आर्य नहीं है और माना जाता है कि वे बर्मी मंगोल समूह से हैं। यह भी कहा जाता है कि किरात लोग पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे हिमालय क्षेत्र में आए। उन्होंने असम, भूटान, नेपाल में बड़ी बस्तियां बसाई। यह भी माना जाता है कि किरात लोग हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश होते हुए कश्मीर तथा मोहनजोदड़ो तक फैल गए थे। किरात भी पशुपालक थे और तीर कमान से शिकार भी करते थे। सिंधु सभ्यता काल में ये लोग हिमालय के ढलानों पर बस चुके थे। पिलनी, टॉलेमी और मेगस्थनीज के लेखों में भी किरातों के विषय में कई उल्लेख हैं। टॉलेमी ने इन्हें करादिया लिखा है और भारत में इनकी विस्तृत बस्तियों का उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भारत में किरात अपनी पहचान खो चुके हैं, लेकिन नेपाल में उनकी पहचान बनी हुई है। कुछ लोग थारों को भी किरातों से जोड़ते हैं, लेकिन थारू समाज के लोग खुद को राजस्थान मूल का बताते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नर क्षेत्र के लोग भी किरातों के वंशज हैं। नेपाल में किरातों के वंशजों में राय, लिंबू आदि माने जाते हैं। राय या रई या खम्बू नेपाल, सिक्किम तथा दार्जिलिंग क्षेत्र में रहते हैं। राय का असली नाम खम्बू है और राय का मतलब होता है राजा। इसी तरह लिंबू जनजाति भी पूर्वी नेपाल, बर्मा, भूटान और भारत के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, सिक्किम, असम और नागालैंड में रहते हैं। हिमालय क्षेत्र में रहने वाली अन्य जातियों के तहत किरातों को लेकर भी बहुत अधिक अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन प्राचीन संस्कृत साहित्य किरातों के साहित्य में बहुत कुछ कहता है। संस्कृत साहित्य में किरातों का संबंध पहाड़ों और गुफाओं से माना गया है। उनकी मुख्य जीविका आखेट बताई गई है। यजुर्वेद तथा अथर्वेद में किरातों को पर्वत और कंदराओं का निवासी बताया गया है। नेपाल में किरातों को किरांती भी कहा जाता है। नेपाल में अधिकतर किरात अब बौद्ध हैं, लेकिन उनके पूर्वज हिंदू थे। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि किरात भगवान शिव के उपासक थे और महाभारत में तो इनका उल्लेख भी है। महाभारत वन पर्व में लिखा है कि अर्जुन जब एक शुकर के पीछे तीर धनुष लेकर शिकार करने जा रहे थे,
तो उस समय भगवान शिव से उनका किरात रूप में ही युद्ध हुआ था। जहाँ किरात रूप में भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था, वहाँ गढ़वाल श्रीनगर के आगे बलकनंदा नदी के बामकूल पर बद्रीनाथ रोड पर एक चट्टी पर है और जिसका नाम बिल्व केदार है। भगवान शिव किरातों के इष्ट देवता माने जाते रहे हैं और इसलिए ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें शिष्णदेव कहा है। शिष्णदेव का अर्थ होता है लिंग को देवता मानकर पूजने वाले। यजुर्वेद तथा अदर वेद में इस जाति का उल्लेख पर्वतीय गुफाओं के निवासियों के रूप में किया गया है। रामायण काल में भी किरात मौजूद थी। भगवान श्री राम के वनवास जाने पर उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ कुछ समय के लिए उत्तराखंड के टिहरी के हिंदगांव क्षेत्र में आए थे, तो वहां उनकी मुलाकात किरातों से हुई थी। मनुस्मृति में भी कई अन्य अनार्य जातियों के समान किरातों को भी प्रात्य क्षत्रियों में गणना उनकी की गई है। दोस्तों, नेपाल में किरात राज्य स्थापित करने वाले यलंबर भी महाभारत से जुड़े हैं। यह उस काल की बात है जब सभी किरात सनातनी यानी आज के हिंदू थे। महाभारत के बर्बरी को ही नेपाल के यलंबर के नाम से जाना जाता है। वे पांडुपुत्र महाबली भीम और हिमालय की बेटी हिडिम्बा के पौत और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरी ही नेपाल के प्राचीन किरात साम्राज्य के संस्थापक हैं। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि बर्बरी तो आर्य भीम के पौत्र थे, फिर वे किरात कैसे हो गए? तो यह उसी तरह संभव है जिस तरह नेपाल के शाहवंशी राजा राजस्थान के थे, लेकिन उन्होंने खस व गोरखा राज्य स्थापित किया। बर्बरी की दादी हिडिम्बा तो हिमालय वासी थी, वह आर्य नहीं थी, राक्षस कुल की थी। नेपाल के क्रांति राजा बर्बरी यानी यलंबर ने प्राचीन गोपाल वंश को पराजित करके 8000 BC में काठमांडू उपत्यका में किरात साम्राज्य की स्थापना की थी। यह एक मान्यता है और माना जाता है कि उनका किरात साम्राज्य पश्चिम में त्रिशूली नदी से पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ था और इस वंश में 32 किरात राज्य हुए। कुछ लोग हिमालय क्षेत्र में राज करने वाले कुलिंद या पुलिंद या कुलिंद, इन सभी को किरातों से जोड़ते हैं। कुलिंद उत्तराखंड क्षेत्र की पहली राजनीतिक शक्ति थे और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 30 से 14 तक कुलिंदों का ही शासन था। महाभारत में किरातों को हिमालयवासी बताया गया है। वे लोग फल फूलों का आहार करते थे और मृग छाला पहनते थे। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें सुनहरे या पीले रंग का बताया गया है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में भगवान श्री रामचंद्र जंगल में किरातों के फैलाए जाल के बारे में कहते हैं। इससे संकेत मिलता है कि प्राचीन युग में किरातों को शिकारी समुदाय के रूप में देखा जाता रहा था। किरातों को लेकर संस्कृत के महाकवि कालिदास ने भी अपने साहित्य में लिखा है। दोस्तों, किरा शब्द की उत्पत्ति को लेकर भी कहा जाता है कि यह किर यानी सिंह और ती यानी लोग मिलकर बना है, अर्थात सिंह की प्रवृत्ति वाले लोग। यह भी कहा जाता है कि पूर्वी नेपाल की किराती नामक तिब्बती जो जाति है और इसी से यह शब्द निकला है। यह भी संभव है कि किरात शब्द का प्रयोग वनों में रहने वाली जातियों के बारे में तब होने लगा होगा। सिक्किम के पश्चिम स्थित मोरंग में आज भी किरात नामक एक जाति बसती है और संभवतः किरातों का यही मूल स्थान रहा होगा, यह कुछ लोग मानते हैं। यह भी साक्ष्य मिले हैं कि किरात लोग हिमालय के अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी निवास करते थे। मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप पर किसी किरात भिक्षु के दान का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत में नागार्जुनी कोट के एक अभिलेख में भी किरातों का वर्णन हुआ है। माना जाता है कि किरातों की कुछ बस्तियां कर्नाटक में भी थी। सिंधु और हड़प्पा सभ्यता से पूर्व सरस्वती नदी के उत्तरी भाग और उत्तर में सतलुज ब्यास नदियों के भीती भाग तक यह सभ्यता थी और किरात भी उस समय हिमालय में बस रहे थे। 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता के काल में हिमाचल प्रदेश में कोल, आदिम, आग्नेय या निषादवंशी खस, नाग और किन्नर जातियों को समकालीन माना जाता है। इस सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, शिमला और पहाड़ियों के अंचलों में बसे रोपड़ तक मौजूद हैं।
खुदाई तथा अस्थि पंजरों से पता चलता है कि यह पंजर आदिम आग्नेय कुल या इशादवंशी मंगोल किरात भूमध्य सागरीय कुल और पर्वत प्रदेशीय नामक चार नस्लों के थे। आदिम चार नस्लों की कल्पना द्रविण असुर ब्रात्य दास नाग यक्ष किन्नर किरात ब्राह्मी पार्ण और सैमेरियन के साथ की जाती है। यानी किरात इस पूरे हिमालय खंड में बहुत पहले से निवास करते रहे हैं। तो दोस्तों, यदि हिमालय के किरातों की गाथा आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत।